एक गांव में सूरदास नाम का किसान रहा करता था। उसे सागरिका नाम की बेटी हुआ करती थी। सूरदास मेहनत करके खेती करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया। एक दिन सूरदास के खेत के पास भैरव नाम का व्यक्ति आया। क्या हुआ काका, और कितने दिन तुम ऐसे खेत पे औसत डाल के जियोगे? बाहर लोग नए नए व्यापार करके कितना पैसा कमाते हैं मालूम है आपको? ज्यादातर फूड बिजनेस में लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। फूड बिजनेस में 60% का मुनाफा होता है, क्या आपको मालूम है? वो सब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बेटा, मुझे इस खेती के सिवाय और कुछ भी मालूम नहीं है। बचपन से मुझे ये खेती मेरा जीवन है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काका। मैं इस गांव में एक अच्छे से बिरयानी होटल खोलने जा रहा हूँ। हैदराबाद में एक अच्छा बावर्ची को भी मैंने देखा है। पूरा 30 लाख तक खर्चा होगा, मेरे पास 20 लाख पड़े हैं। बाकी के 10 लाख के लिए गांव के लोग सभी मेरे पीछे कतार लगाए हैं। लेकिन मुझे किसी को भी पार्टनर बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक उसी वक्त मुझे आपकी याद आई। हम दोनों अच्छे इंसान हैं, इसलिए बिजनेस में पार्टनर हुए तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप बस 10 लाख रुपए लगाएंगे तो मैं आपको 40% हिस्सा दूंगा। एक साल बीतते ही हमारी लागत हमें वापस आ जाएगा, उसके बाद जिंदगी भर मुनाफा ही मुनाफा होगा। क्या एक साल में ही 10 लाख वापस आ जाएंगे? मतलब अगले साल तक वो 20 लाख रुपए हो जाएंगे? हाँ काका, आप कल ही पैसों का बंदोबस्त कीजिए तो मैं एग्रीमेंट करवा देता हूँ। तो सूरदास खुशी खुशी हाँ बोला। अगले दिन सूरदास एग्रीमेंट के ऊपर अंगूठा लगा के भैरव को पैसा दिया। भैरव सूरदास के दिए 10 लाख रुपए में ही उस गांव में बिरयानी होटल शुरू किया। सूरदास बहुत खुश हुआ। काउंटर में बैठे भैरव से सूरदास, बेटा हमारा होटल ठीक से चले वैसा कुछ भी कर, अगले साल ही मैं मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। होटल के काम के लिए तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो पूछो, मैं करूंगा। तो एक काम करो काका, रोज आके इस होटल में बर्तन साफ करो, तुझे मैं 1000 रुपए महीने का दूंगा। क्या बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? ये हमारा होटल नहीं है, मेरा होटल है। फ्री में बिरयानी खाकर जाना चाहता है तो जा, निकल यहाँ से। बेटा वो 10 लाख मेरे 10 साल की मेहनत की कमाई है बेटा, मुझे धोखा देने के बारे में सोच मत। वैसे हमारे बीच एग्रीमेंट भी हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर केस भी ठोक सकता हूँ। हाँ, एग्रीमेंट तो तूने पढ़ाई है ना, उसमें क्या लिखा है तुझे पता है? शोले फिल्म की कहानी है, लॉयर के पास अगर जाएगा तो तुरंत वो गब्बर सिंह बन के तुझे खूब पीटेगा, निकल यहाँ से। सूरदास चक्कर खाकर नीचे गिर गया। कुछ दिनों के बाद भैरव का होटल मशहूर हुआ, भैरव बहुत पैसा कमाने लगा। सूरदास रोते हुए उदास घर में ही पड़ा रहता था, खेत में भी जाना बंद कर दिया। एक दिन सागरिका, पापा कितने दिन ऐसे उदास घर पर बैठे रहोगे? थोड़ा खेत में जाओगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी ना? जो बीत गया उसके बारे में सोचना बेकार है, सबके लिए वो ऊपर वाला ही है। जाओ पापा, जाइए। वैसे सूरदास अपने खेत के पास गया, जमीन सूखा पड़ा था। अयो, मैं मेरी उदासी में आके मिट्टी माँ के बारे में सोचना ही भूल गया, कितनी बड़ी गलती की, सोचा। तुरंत कुल्हाड़ी लेकर खेत को जोतने लगा। एक जगह पे उसे तंग करके कुछ सुनाई दिया। सूरदास वहाँ पे खोदना शुरू किया, देखा तो वहाँ पे एक बड़ी हंडी थी। मेरे खेत में ये हंडी कैसे आई, सोचकर उस हंडी को बाहर निकाला। अचानक उस हंडी में बिरयानी भर गया। सूरदास आश्चर्य हो गया, वो बिरयानी चक्कर देखा, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। सूरदास तुरंत वहाँ पे काम किए खेत के मजदूरों को बुला के वो बिरयानी खिलाया। हंडी खाली हो गई, बस फिर से हंडी बिरयानी से भर गई। सूरदास भगवान को नमस्कार करते हुए, हे भगवान, मुझ पे तूने इस तरह करुणा दिखाया, उस दगेबाज को पाठ पढ़ाने के लिए ही तुमने ऐसा किया है कहकर मुझे मालूम है, सोचा। अगले दिन से उसी खेत में बिरयानी बेचना शुरू किया। गाँव के लोग सभी उस बिरयानी के स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गए। बात खत्म।
उस दिन से लोग सभी उस खेत में आके बिरयानी खाकर जाना शुरू किए। उस हंडी में से बिरयानी आती ही गई। वैसे वो बहुत पैसा कमाने लगा। भैरव के होटल में एक भी गिराक नहीं आया। तब भैरव मन में, वो मायावी हंडी की मदद से मेरा ही धंधा चौपट हो गया, आज रात ही उसे चुरा के मेरे होटल में रखूंगा, सोचा। उस रात वो खेत में रहे हंडी के पास गया, उसे छूने लगा। बात खत्म। उस हंडी में से जोर से आग निकली। आग भैरव को लगी। बाप रे, आग, बचाइए बचाइए, कहकर खेतों के बीच भागने लगा। कुछ दिनों के बाद सूरदास सागरिका को धूमधाम से विवाह रचाया। इलेक्ट्रिसिटी बिल। शाहरुख नाम का एक बंदा था। महीने के आखिरी दिन होने के कारण हर घर जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था। एक घर के पास शाहरुख मीटर रीडिंग लेकर, ये लीजिए सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहकर दे देता है। बिल देखकर ओनर चौंक जाता है। अरे ये क्या भाई, 4,000 रुपए हुए हैं। 4,000 रुपए? पता नहीं सर, रीडिंग मैंने तो ठीक से ही लिया है। शाहरुख ऐसे एक और घर जाता है और वहां भी मीटर रीडिंग लेकर, सर ये लीजिए आपका करंट बिल, कहकर दे देता है। क्या 7,000 रुपए? ये क्या मेरा ही बिल है? सुनो कावेरी, यहाँ आना तो, जल्दी इधर आओ, कहकर चिल्लाता है। पत्नी के आते ही, देखो तुम्हारी वजह से कितना बिल आ गया है, 7,000 रुपए का बिल आया है। कावेरी को गुस्सा आता है। हाँ हाँ, पूरा 7,000 का बिल मैंने ही किया है ना। 3 महीनों से घर पे हो, एसी चलाकर आराम कर रहे हो, उसी का नतीजा है ये। ऐसे दोनों लड़ने लगते हैं। अगले घर के पास करंट बिल देखकर, क्या है ये, इतना ज्यादा करंट बिल आया है, मुझे लगता है मेरा ओनर फर्जी कनेक्शन डलवा कर पूरा चार्ज मेरे मीटर पर डलवा रहा है, उसको आने दो, दिखा दूंगा उसे, उसे रंगे हाथों पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा। वैसे शाहरुख करंट बिल देने जहां कहीं भी जाता वहां झगड़ा स्टार्ट हो जाता। उस शाम को गांव में सभी चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। हर बार मेरा बिल 500 रुपए के आसपास आता था, लेकिन इस बार 2,500 आया है, मेरा भी 5,000 का बिल आया है, मैं अपनी तकलीफ किसको बताऊं? तब गांव का मुखिया, मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों से बात किया है, वो अभी 10 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे, कहकर तसल्ली देता है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते हैं। साहब ये क्या है, ये क्या अन्याय है, मुझे 5,000 का बिल आया है। रुकिए रुकिए, उतावले मत होइए, 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक साथ दिया है, पिछले 2 महीनों में आपको दिक्कत ना हो इसीलिए बिल नहीं दिया था, इसीलिए अब एक साथ 2 महीने का बिल दिया है आपको, कहकर समझाता है। ये क्या साहब, अभी इस परिस्थिति में 2 महीने का बिल कहां से भरेंगे हम लोग, थोड़ा आप ही समझ लीजिए, कहकर उससे विनती करता है। अभी सोचने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को भरना ही पड़ेगा, कहकर वहां से निकल जाता है। तब नवीन, जो उसी गांव का निवासी था, उठकर बोलता है, इस डिपार्टमेंट वाले को हमारी समस्या समझ में ही नहीं आ रही है, कम से कम सुन भी नहीं रहा है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कीजिए, तब इनको समझ में आएगा, कहकर सभी को एक आइडिया बताता है। अगले दिन गांव के मुखिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को खाने पे बुलाते हैं। सभी खाने पे आते हैं, उनको एक साथ 3 वक्त का खाना परोसते हैं। ये देखकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का वर्कर, ये क्या कर रहे हो, 3 वक्त का खाना एक साथ कैसे खा पाएंगे, तो फिर एक साथ 2 महीने का बिल कैसे दे सकते हैं साहब, आपको ही समझना चाहिए ना। डिपार्टमेंट वालों को उनकी गलती समझ में आती है और गांव वालों को इलेक्ट्रिसिटी बिल किश्तों में भरने का परमिशन दे देती है।